दोस्तों हम लोग ने 22 को अच्छे तरीके से समझ लिया, उसका मैं फिक्सर ड्रॉ करना भी बता दिया। दोस्तों अब एक अलग जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सीडिंग का, कि सीडिंग आखिर होता क्या है, सीडिंग कब दी जाती है, क्यों दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि आखिर पहला सीडिंग होता क्या है। सीडिंग क्या है? सीडिंग एक प्रकार का अरेंजमेंट है। हम लोग सॉर्टिंग करते हैं सीडिंग में। क्यों करते हैं सॉर्टिंग? इसलिए भी करते हैं कि मान लो कि कोई टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है, एक नॉकआउट टूर्नामेंट होने वाला है क्रिकेट का। उसमें हम लोग कभी ये नहीं करेंगे कि पहला ही मैच में, यानी कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो रही है और पहले ही मैच में हम लोग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मैच करवा देंगे। क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में आप लोग जान रहे हो कि अगर पहला मैच कभी भी कोई मैच हारते हो तो वहां से आपको आगे जाने की मौका नहीं दी जाती है, यानी कि वहां मैच हारो उस टूर्नामेंट से बाहर आओ। यानी कि उस कंडीशन में इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया को कभी मैच नहीं कराएंगे, क्योंकि एक स्ट्रांग टीम बाहर आएगी। हम लोग जो सीडिंग इसलिए भी देते हैं ताकि एक स्ट्रांग टीम आगे जाए, क्योंकि जो हमारे पास जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो देखने वालों की संख्या होती है, वो उस पर डिपेंड करती है कि मान लो कि किसी भी वर्ल्ड कप में अगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान फाइनल में पहुंचता है, वहां पे स्पेक्टेटर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि इंडिया जैसी मजबूत टीमें वहां पर नहीं पहुंची है। तो वैसा बनाया जाता है ताकि हम लोग का स्ट्रांग टीम आगे जाए। हाँ, फिर बाद में हो सकता है कि आगे वाले राउंड में, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया हो सकता है, बट पहले राउंड में ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया जैसे या ऑस्ट्रेलिया वर्सेज साउथ अफ्रीका जैसे मैचेज नहीं होती है। वहां पे होगा तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बांग्लादेश के साथ खिलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के साथ खिलाएंगे, तो ऐसा होता है। तो मैं सिंपल शब्दों में यहां पर लिखा हूं कि द सॉर्टिंग ऑफ द टीम्स एंड फिटिंग देम इन ए फिक्सचर सो दैट द स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट इच अदर इन अर्लियर राउंड्स इज नोन एज सीडिंग। कहने का मतलब है कि एक तरह का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कि हम लोग का अर्लियर शुरुआती जो शुरुआती राउंड में हम लोग का जो स्ट्रांग टीम टू स्ट्रांग टीम का मैचेज ना हो। ठीक है, दिस मेथड इज गुड इफ यू नो द रियल स्ट्रांग टीम्स। द ऑर्गेनाइजर शुड फाइंड आउट द रियल स्ट्रांग टीम्स फ्रॉम द प्रीवियस टूर्नामेंट और ओल्ड रिकॉर्ड फिगर्स। अब हमारे मन में यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर मैं ये डिसाइड कैसे करूं कि आप लोग की ये स्ट्रांग टीम है ये नहीं है। दोस्तों आप लोग जैसे कि मान लो कि क्रिकेट में क्या होता है, आईसीसी एक रैंकिंग निकालती है, वो हो सकता है वो T20 का हो, ओडीआई का हो, टेस्ट का हो। मान लो कि हम लोग ओडीआई का हम लोग को टूर्नामेंट करवाना है वर्ल्ड कप, वहां पे हम लोग मान लेंगे कि पहले नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया है, या पहले नंबर पे इंडिया है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग फर्स्ट और सेकंड को नहीं करवाएंगे। या जो भी हमारे पास ओल्ड फिगर है, जो भी टीम ने प्रदर्शन किया है, या कोई इंडिविजुअल का इंडिविजुअल कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी कर रहा है, तो उसके ओल्ड फिगर को हम लोग देख के ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये समझ रहे होंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर लेना या लिख लेना, या अगर आप समझ गए हो तो अपने लैंग्वेज में लिखना, दैट इज द बेस्ट वन। आप अपने लैंग्वेज में लिखना सीबीएसई को बहुत पसंद आती है, क्योंकि ऐसे जो डिशेज आप बनाते हो अपने से बनाया हुआ वो सीबीएसई को पसंद आती है, जो किसी का जो बुक वाली लैंग्वेज सीबीएसई को पसंद नहीं आती है उतनी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ उसका फिक्सर ड्रॉ कैसे करना होता है। फ्रेंड्स, हमने जान लिया था ये कि सीडिंग आखिर होता क्या है, लेकिन अगर हम इसे फिक्सर ड्रॉ कर लेंगे तो बेहतर होगा कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग को और भी क्लियर कर लेगी। जैसे कि हमने बाय के कंडीशन में कितना टीम लिया था, 7 टीम्स, उसी तरह से मैं सीडिंग टीम सीडिंग के लिए मैं और भी टीम बढ़ा रहा हूं ताकि आपकी 22 की और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और सीडिंग कैसे देते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स लेता हूँ 11। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 11, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, यहां मैं ले लेता हूं 11। उसी तरह से यहां पे दूसरा जो स्टेप क्या होता था कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे यहां पे, नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला था n-1, तो उसी तरह से यहां पे 11 टीम है, तो 11-1 दैट इज 10, यानी कि यहां पर 10 मैचेज होंगे। उसी तरह से आपको पहले डिसाइड करना है कि ऑड 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, यहां पे नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, इसके लिए फॉर्मूला होगा n+1/2, दैट इज 11+1/2, दैट इज 12/2 इक्वल टू 6, यानी कि 6 टीमें अपर हाफ में होगी। उसी तरह से यहां पे लोअर हाफ में भी 5 टीमें हो जाएगी, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सीबीएसई को क्या चाहिए, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। उसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1
बाय टू, यहां पे एन कितना है, 11 माइनस 1 बाय 10 बाय 2 इक्वल टू 5, यानी कि यहां पे अपर हाफ में 6 टीम और लोअर हाफ में 5 टीम। उसी तरह से जो मेरा नेक्स्ट चीज होता है वो होता है कि आपको नंबर ऑफ बाइज फाइंड करनी पड़ती है, नंबर ऑफ बाइज कितनी होगी। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो कि 11 है तो 11 तो आपको पता है, 11 से जस्ट आगे वाला नंबर आपको फाइंड करना है जो 2 टू द पावर n के फॉर्म में हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 हो। तो 11 से छोटा तो आपको पता है कि वो है कि 2 टू द पावर 3, यानी कि हम लोग 8 से 11 जो है 8 से बड़ा है, लेकिन 11 से बड़ा भी एक नंबर होगा जो 2 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, वो कौन सा होगा, 2 टू द पावर 4। तो यहां पे 22 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 22 2 टू द पावर 4 माइनस 11 इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो 5 होगा उसके बाद आपको 5 में अब उसको अपर हाफ लोअर हाफ इसमें भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि अपर हाफ में कितने बाइज जाएंगे लोअर हाफ में कितने, तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ बी माइनस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा, 5 में से एक आएगा 4 बाय 2 इक्वल टू 2, यानी कि अपर हाफ में 2 बाइज। उसी तरह से लोअर हाफ में कितना हो जाएगा, लोअर हाफ में बी प्लस 1 बाय 2 बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 6 बाय 2 इक्वल टू 3। हमने क्या फाइंड कर लिया, सारा चीज फाइंड हो गया। और उसके बाद जो आपका सबसे लास्ट होता था वो क्या होता था कि नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है, जो आपको नंबर ऑफ जो टीम्स दी गई उसके आगे वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 था, तो यहां पे क्या था 2 टू द पावर 4, जहां पे n जो होता है ये जो 4 है, क्योंकि ये जो 2 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पे n क्या है, n यहां पे 4 है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे 4। और यहां पे मैं अपने से एक कंडीशन ले लेता हूं कि यहां पे नंबर ऑफ सीडेड मतलब कि सीडिंग कितना दी जाएगी 4 टीमों को, आपके एग्जाम में ऐसे 4 टीम की सीडिंग आती है, तो मान लो कि यहां पे नंबर ऑफ टीम टू बी सीडेड कितना होगा, मैं यहां पे 4 टीम को सीड करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं फिक्सर ड्रॉ कर लेता हूं, हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नहीं तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो ये रखा ही रहता है मोबाइल में, वो आप लिख नहीं पाते हो, इसकी ले लो और मैं फिक्सर ड्रॉ करना बता देता। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर सेम जिस तरह मैंने बाइज के कंडीशन में बताया था उसी तरह यहां पर भी करनी है आपको। यहां पर टीम्स लिखनी है, जितनी भी टीम्स दी गई है यहां पर कितना दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अपर हाफ में कितनी टीम होगी, कितनी हो जाएगी, 6 होगी। ठीक है, 6 मैंने बताया भी था। तो यहां पे एक छोटी सी लाइन लेनी है तो आपको पता चले कि आपको अपर हाफ कौन सा है। ये हो गया आपका अपर हाफ यूएच, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये हो गया लोअर हाफ, आप इसे एग्जाम में पूरा लिखना, क्योंकि यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो भी छोटी बनेगी और मेरे पास बोर्ड भी छोटा ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या था कि आपको वहां पे बाइज कितनी दी गई थी, अपर हाफ में कितनी बाइज थी, अपर हाफ में मेरी 2 बाइज थी और लोअर हाफ में 3 बाइज थी। तो लोअर हाफ में बाइज कितनी थी, 3। तो 3 में बाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे पहला बाइज जाएगा लोअर हाफ की सबसे लोअर टीम को, 11 को बाइज गया। उसी तरह से सेकेंड बाइज जाएगा यहां के ऊपर वाली टीम को, ठीक है, फिर जाएगा 10 को। अब मेरा क्या करना है हमको, अपर हाफ में कितना जाएगा, 2 बाइज। ठीक है, 6 को मैं सबसे पहले जो अपर हाफ में जो सबसे पहला बाइज देना होता है वो अपर हाफ के सबसे अपर टीम को, यानी कि पहला बाइज जाएगा मेरा 1 को, ठीक है, और 6 को एक बाइज जाएगा। यानी आप समझ रहे हो ना कि बाइज जो होता है कि लोअर हाफ में सबसे डाउन अप और वहां पे क्या होता है अपर हाफ में अप डाउन। ठीक है, यहां पे होता है पहले
अप, फिर होता है डाउन, और यहां पे होता है डाउन फिर अप, ठीक है। ऐसे याद रखना, आपको जो भी है उसे याद रखना आप। अब यहां पे मैंने क्या बोला था कि यहां पे चार टीम को सीड भी दिया जाएगी, सीडिंग दी जाएगी चार टीमों को, वो सीडिंग भी मैं दे देता हूं। और यहां पे कोई मतलब नहीं है, यहां पे जिसे बाइज मिल रहा है उसे भी सीड कर सकते हो आप, सीडिंग दे सकते हो। तो यहां पे मैं जो सीडिंग देना बहुत सिंपल है, यहां पे चार है तो सबसे लोअर वाले को सीड दे दो, यहां पे मैं एस लिख दिया, और सीडिंग देनी है तो सात को दे दो, फिर छह को दे दो, फिर एक को दे दो, ठीक है। ऑलरेडी यहां पे सीट दी गई है, यानी कि और 22 दी गई थी, ये फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगे, ये डायरेक्ट सेकंड राउंड से स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन खेलेंगे, यहां पे टू और थ्री खेलेंगे, ठीक है, फोर फाइव एट और नाइन, ये मेरा हो गया फर्स्ट राउंड, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास कुछ विनर बन के आए होंगे, जैसे कि टू थ्री में मान लो कि विनर बन के आ गए टू, उसी तरह से फोर फाइव में फोर, एंड एट नाइन में विनर बन के आ गए मान लो नाइन, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट राउंड के विनर आ गए मेरे पास। अब उसके बाद हम सेकेंड राउंड में बढ़ेंगे, सेकेंड राउंड में जिसे सीडिंग मिल भी गई थी या बाइज मिल भी गया था वो भी खेलेंगे, ठीक है। मान लो कि यहां पर वन और टू खेलेंगे, और ये जो मेरा मैचेज होगी वो होगी सेकेंड राउंड की, ठीक है। और यहां पे खेलेंगे फोर और सिक्स, उसी तरह से यहां से सेवन और नाइन, टेन और ट्वेल्व। अब इसमें से भी विनर बन के आएंगे। दोस्तों आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सर आप नाइन को भी विनर क्यों बना रहे हो फोर को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे विनर बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहां पे तो वर्चुअल मैच हो रही है ना, आप तो माइंड में सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो। तो मान लो कि यहां विनर बन के आ गए टू, यहां फिर विनर बन के आ गए मान लो कि फोर और सिक्स में हुआ सिक्स, यहां पे सेवन और नाइन में मान लो कि सेवन, यहां पे इलेवन टेन और इलेवन में मान लो कि विनर बन के आ गए इलेवन। अब मेरा अगला राउंड होने वाला है, ठीक है, टू और सिक्स खेलेंगे, ये मेरा हो गया थर्ड राउंड, और यहां पे सेवन और इलेवन, ठीक है। इसमें से विनर बन के आए होंगे एक, मान लो कि टू सिक्स में विनर बन के आ गए सिक्स, और इधर सेवन इलेवन में विनर बन के आ गए इलेवन। अब मेरा जो मैच होगा ये मेरा होगा राउंड फोर, ठीक है, सिक्स और इलेवन में मैच करा दो, एक विनर बन के आएंगे, मान लो कि विनर बन के आ गए इलेवन, ठीक है, ये मेरा विनर बन के आ गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहां पे क्या किया मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसमें सेम कंडीशन था, यहां पे बाइस भी दी गई, और यहां पे बाइस तो देना ही होता है क्योंकि आपको ऐसा कंडीशन वहां पे क्रिएट करना है ताकि सेमीफाइनल में चार टीमें बचे। यहां पे ये फाइनल हुआ, फाइनल में दो टीमें हुई, लेकिन सेमीफाइनल में आप देखो कि यहां पर चार टीमें हुई, एक दो तीन चार, यहां पे 22 तो देना ही था। यहां पे सीट भी दी गई, क्यों दी गई, ताकि स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग टीम की मैचेज ना हो, क्योंकि शुरू के ही मैच में अगर स्ट्रॉन्ग टीम बाहर आ जाएगी तो वहां पे वो टूर्नामेंट मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बोला था कि मैंने टीम यहां पे लिया था 11, नंबर ऑफ मैचेज कितने होंगे एन माइनस वन, यानी कि 11 माइनस वन दैट इज 10। अब 10 मैं बता देता हूं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। यहां पे 11 टीम थी, 10 मेरे मैचेस होंगे एन माइनस वन, ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला था कि राउंड कितने होंगे, फोर होंगे, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड, यानी कि आपकी बाइज की जो भी कंसेप्ट थी और सीडिंग की कंसेप्ट थी वो क्लियर हो गई है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी होंगे गए होंगे, लेकिन हो सकता है कि मैं कभी पढ़ाया जो भी पढ़ाया उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो आप, मैं हमेशा बताया हूं कि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है, आप उसमें आप ही को कमेंट करना, जो भी क्वेरीज हो जो भी सवाल मन में आए सारे कमेंट को डाल दो वहां पे, मेरी टीम आपको दो से तीन घंटे के अंदर आपके कमेंट का जवाब देगी, जो भी हो। या अगर मुझे पर्सनली मेल करना चाहते हो तो मैं ईमेल डाल देता हूं यहां पे आपको दिख जाएगा ईमेल, वहां पे इस ईमेल पर भी पर्सनली मुझे शेयर कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स हो पढ़ाई के संबंधित, ठीक है। आपको यहां पे चैनल पे सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ाई होगी ताकि आपको रिमेंबरिंग याद ना करना पड़े, वो आप समझ के एग्जाम में लिख सको।
दोस्तों इसका जो एक और टॉपिक बचा है वो है लीग टूर्नामेंट, लीग के अंदर है फिर साइक्लिक और स्टेयर केस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता हूं। आप लोग जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, वहां पे मैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके बना दिया हूं, इसका आगे वाला पार्ट आप देख लेना, वहां पे भी आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब